धरती पुत्र मुलायम सिंह की मौत के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव चुनकर जब आईं, तब से लेकर अब तक क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद डिंपल का ये पहला दौरा था, जब उन्होंने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अपना बड़ा बयान दिया है। डिंपल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत पाए थे, सपा ने ही उनको MLC बनाया। उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल भी सपा से ही चुनाव जीती थी, हम चाहते थे कि कृष्णा पटेल भी सदन पहुंचे। अपने पति अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को भी डिंपल ने जनता के बीच लाने की कोशिश की है। गठबंधन पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि गठबंधन पर जो भी बातें होंगी जल्द ही सामने आ जाएंगी। मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें MLC बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरा मेरे हृदय में उनके लिए, और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुँचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची, हमें खुशी है। और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे। मैं समझती हूँ बहुत छोटी लिस्ट थी 3 लिस्ट की, और आपने जो कल लिस्ट जारी हुई है आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए, आप कहाँ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं, और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है, हम अगलों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी और जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहे। मैनपुरी के समस्त लोग जो हैं उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मैनपुरी ने समाजवादी की तो विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। फिलहाल अखिलेश शिवपाल के साथ साथ डिंपल भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की बातें लगातार उठा भी रही हैं। मैनपुरी से लाइव 24 के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।